और देखिए आप बिल्कुल ये निकल भी नहीं रहा है यार, अभी मुझे इसको काट के यूज करना पड़ेगा मेकअप करने के लिए। तूफान आ गया मम्मी। यूट्यूबर बनने से पहले मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब देखती थी और शायद इसीलिए मेरे मन में एक दिमाग में था कि मुझे भी शायद मैं यूट्यूबर बन सकती हूँ, तो इसलिए आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। और इस चीज के पीछे बहुत सारे यूट्यूबर्स का हाथ है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सभी यूट्यूबर से इन्फ्लुएंस होते ही हैं और आज जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट्स आज मैंने यूज किए हैं वो सभी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर ही खरीदे हैं। अगर आप देखना चाहते हो वो कौन से वाले प्रोडक्ट्स हैं जो मैं इन्फ्लुएंस होकर परचेज किए और वो कौन से यूट्यूबर्स हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, जिनको मैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखती हूँ, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ये वाला मेकअप लुक आज मैंने अचीव किया, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर से जो कि है ये कलर बार का। ये है कलर बार परफेक्ट मैच प्राइमर और अभी तो इन्होंने पैकेजिंग भी चेंज कर दी हुई है। ये मेरा काफी पुराना है, मतलब आई थिंक 2 साल हो गए हैं और अभी ये ऑलमोस्ट खत्म है। मुझे आज लिटरली मुझे लगता है इसको काट के ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है। और ये शायद ना पहला एक ऐसा प्राइमर था जो मैंने इन्फ्लुएंस होके लिया है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मेरा बेस्ट, मतलब जिसको मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है ये वो प्राइमर है कलर बार का और बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। और जो इन्फ्लुएंस जिनसे मैंने इन्फ्लुएंस होकर ये प्रोडक्ट खरीदा था वो थी द डे ड्रीम प्रोजेक्ट शिवांगी। उनके मेकअप लुक्स ऑसम होते हैं, इतने सटल इतने ब्यूटीफुल मेकअप लुक्स करती है ना वो, मतलब उनका जो बोलने का स्टाइल है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इसलिए आज मैं यूज करूंगी कलर बार का प्राइमर और गाइज आई हाईली रिकमेंड दिस। आई थिंक 800 या 900 के आसपास कुछ आएगा लेकिन इसका जो फॉर्मूला और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपके पोर्स को ना एकदम ऐसे कैनवस बना देता है आपकी स्किन को, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट बारी आती है फाउंडेशन की। गाइस फाउंडेशन की ना बहुत ही पुरानी कहानी है, आप देख सकते हो मेरे पास जो मिलानी की भी जो फाउंडेशन है ये भी मेरी पुरानी ही है, मतलब मुझे लगता है इसको भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है यूज करते हुए, अभी खत्म भी होने वाली है लेकिन अब मैं शेड जो है इसका चेंज करने वाली हूँ। और अब मैं आपको बता दूं ये मैंने कौन से इन्फ्लुएंसर या ब्यूटी कॉन्टेंट क्रिएटर से मैंने इंस्पायर होके इसको खरीदा था। ये मैंने गाइज मोस्ट पॉपुलर ऑन यूट्यूब जो है शाय स्टाइल साइमा, उसको मैंने देखा था, बहुत सारी वीडियोस में उनको मैंने देखा है ये वाली फाउंडेशन को यूज करते हुए। तो मुझे यार मैं बहुत बिग फैन हूं उनकी, तो मुझे ये लेनी है लेकिन गलती से मैंने इसका शेड नंबर 3 ले लिया था क्योंकि तब मुझे इतना ज्यादा ना आइडिया भी नहीं होता था कि इसको खरीदना कैसे है नायका वगैरह पे, मुझे खरीदना ही नहीं आता था फाउंडेशन वगैरह। अभी फिर भी थोड़ा सा ना खरीद खरीद के थोड़ा पता चल चुका है। अभी मैं नेक्स्ट टाइम ना इसका शेड नंबर 2 लेने वाली हूँ तो मुझे लगता है वो बिल्कुल अच्छे से मैच करेगा क्योंकि हल्का सा ऑक्सीडाइज भी होता है तो और ज्यादा मेरी स्किन पे डार्क लगने लग जाता है। तो शेड नंबर 2 मेरे पे परफेक्ट जाने वाला है और इसको मैं बफिंग मोशन में अपनी स्किन के ऊपर बफ करूंगी। गाइज ये जो फाउंडेशन है ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, लाइक मीडियम टू हाई कवरेज। अगर आप कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए तैयार होने वाले हो या फिर अगर आपको फुल कवरेज वाली फाउंडेशन अच्छी लगती हैं, स्पेशल पार्टी मेकअप करना है आपको या फिर किसी स्पेशल ओकेजन के लिए मेकअप करना है तो आप डेफिनेटली इसको ग्रैब कर सकते हो। ऑल राइट, तो अब आ रही आती है कंसीलर की। तो कंसीलर के लिए गाइस मैं यूज कर रही हूँ एले गर्ल की प्रो कंसील इन द शेड, इसमें मेरा शेड है क्लासिक आइवरी। और गाइस इसको जो मैंने इंस्पायर होकर लिया था वो है ब्यूटीको, यूट्यूबर है वो और उनकी पहले यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस वो डालते थे लेकिन अभी वो इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा हिट हुई हुई है और वो बहुत ही प्यारा मेकअप करती है, रितिका उनका नाम है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए शुरू से ही जब से मैंने यूट्यूब और ये सब देखना शुरू किया है, तो मैंने उनसे इंस्पायर होके लिए थे। एक्चुअली ना वो एले गर्ल के प्रोडक्ट्स काफी यूज करती हैं तो, लेकिन मैं एले गर्ल का मैंने जो भी प्रोडक्ट्स खरीदे हैं ना वो सारे उन्हीं से इंस्पायर होके लिए क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो अब बारी आती है आईब्रोज की। तो आईब्रोज के लिए जो मेरी इन्फ्लुएंसर जिनसे मैंने इन्फ्लुएंस होके किया था यूट्यूबर, उनका नाम है ज्योति सेठी और आपको पता है अभी वो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं। उनके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे जो कि मिलियंस में, देखते देखते कितने सारे उनके वीडियोस जो है मिलियंस में चले गए और वो उनके बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं मेकअप के। मुझे उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्टाइल, उनका बात करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा है और या और जो जितने भी इनफैक्ट मेरे पास जो पहले के जितने भी शुगर के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे मैंने उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर खरीदे हैं, मेरे पास जितने भी थे। और दूसरी बार तो आप सबको पता ही है कि मुझे शुगर का
यू नो पीआर आया था और मैंने उनके साथ भी कोलैबोरेशन किया था शुगर कॉस्मेटिक के साथ। और बहुत जल्दी आपको एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया यूट्यूब पे कोलैबोरेशंस देखने को मिलेंगी मेरी। काफ़ी सारे यू नो ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस चल रही हैं, तो मैं धीरे धीरे सारी कोलैबोरेशन वीडियोस भी डालूंगी। तो बस मेरे आईब्रोज हो गए हैं और अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, तो अब आ जाती है पाउडर की। तो पाउडर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये है मेबलिन का फिट मी। ये जो मेबलिन का फिट मी है ना, ये मैंने खरीदा था मालविका सितलानी, मेरी मोस्ट फेवरेट। मैंने मालविका सितलानी मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रही हैं शुरू से ही, मतलब शाई स्टाइल और मालविका दोनों ही, मतलब मुझे लगता है मैंने उनकी कोई भी वीडियोस मिस नहीं की होगी कभी भी। उनके मेकअप लुक्स, उनका स्टाइल, उनका सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको ये वाला पाउडर बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मुझे भी ये लेना है, तो मैंने इसको भी खरीद लिया। और अभी तो मेरा भी ये शायद ख़त्म होने वाला है और मैं जल्दी ही इसको और परचेज करूँगी। और ये वाला ना मेरा स्किन से हल्का सा एक शेड डार्क है, तो मुझे पहले लगता था कि जो मालविका सितलानी है ना उनका शेड और मेरा शेड सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उनसे ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन में हूँ और शाई स्टाइल और मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, तो मैं उनको ज़्यादातर देखती हूँ कि वो कौन सी शेड्स खरीद रही हैं या कौन सी फाउंडेशन शेड ले रही हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा ध्यान में रखती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी समझ नहीं आता ना कि ऑनलाइन कौन सा कलर लें कौन सा नहीं लें, तो आप उन यूट्यूबर्स को फॉलो कीजिए जिनकी कॉम्प्लेक्शन आपके साथ बिल्कुल मैच करते हो, ठीक है। तो अब आई आती है लिपस्टिक की। तो आपको आजकल पता है मैं आजकल लिपस्टिक जो है वो पहले लगाना पसंद कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आज जो यूज़ करने वाली हूँ वो है मेबलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक इन द शेड न्यूड न्यूंस। दिस स्पेसिफिक शेड एंड लिपस्टिक जो है मैंने इसीलिए खरीदी थी क्योंकि आनंदिता चक्रवर्ती जो है यूट्यूबर बहुत ही प्यारी क्यूट सी हैं और मैं उनको भी बहुत ज़्यादा देखती थी पहले। अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं सबको देख सकूं, लेकिन मैं काफ़ी देखती थी उनको पहले, आज से एक साल पहले। तो मैंने उनके देखने पर ये वाला लिपस्टिक चूज़ किया था, बहुत ही प्यारा न्यूड ब्राउन हिंट वाला न्यूड शेड है ये जो लिपस्टिक शेड है ना गाइज, ये फेयर स्किन टोन वालों के लिए लाइट ब्राउन शेड है, लेकिन अगर आप मीडियम टू डस्की हैं तो ये शेड आपके ऊपर बिल्कुल न्यूड लगेगा। तो ये मेरे को थोड़ा सा, आप देख सकते हो, थोड़ा सा ब्राउन टच ही आता है, लाइक लाइट ब्राउन शेड। हमारी आती है आई शेडो पैलेट की। तो इसका नाम है गाइज हुडा ब्यूटी की रोज गोल्ड एडिशन पैलेट, और ये उनकी फर्स्ट पैलेट थी। उसके बाद इन्होंने इसकी रीमास्टर्ड निकाली थी जिसमें उन्होंने ऊपर की पैकेजिंग चेंज कर दी थी। और गाइज जिससे मैंने ये इन्फ्लुएंस होकर ये वाली परचेज की थी, वैसे तो बहुत सारी हैं यूट्यूबर्स जिनको मैंने देखा है, जैसे कि श्रेया जैन हो गई, मालविका सितलानी हो गए और जोविता जॉर्ज। एक्चुअली मैंने ये दो तीन हैं जिनको मैंने देखकर मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, यार मुझे ये लेनी है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत पैलेट मैंने आज तक नहीं देखी थी जब ये लॉन्च हुई थी। तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ आज, क्योंकि आज तीन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर से मैंने इन्फ्लुएंस होकर ये खरीदा है, ठीक है। तो अभी आज मैं क्या करूँगी, कुछ ब्राउन टोन्ड आई मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी ये वाला डार्क ब्राउन शेड, सॉरी लाइट ब्राउन शेड, दिस इज़ द शेड। और इसको मैं क्या करूँगी, पहले बिल्कुल एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से सेंटर पे लगाऊंगी और सेंटर से ही थोड़ा थोड़ा ऊपर, लाइक बिल्कुल मेरा जो लिड एरिया है ना उसके ऊपर लगाऊंगी। और अब मैं क्या करूँगी, इसी सेम ब्रश को हल्का सा मैं क्लीन कर लूँगी एक क्लीन टॉवल पे, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा क्लीन हो गया, इस पर हल्का सा ब्राउन शेड है और मैं इसको क्या करूँगी, ब्लेंड करूँगी ताकि जो इसके हार्श एजेस है ना कुछ भी ऐसे नज़र ना आए। तो मैं कुछ इस तरह का फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, ठीक है, और इसमें मैं लूंगी एक डार्क ब्राउन शेड, ये वाला ही ले लेते हैं, ये इससे थोड़ा सा डार्क शेड है ये वाला, और मैं क्या करूंगी इसको पैट करूंगी। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, सेम पहले वाला ब्लेंडिंग ब्रश लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। ओके गाइस, तो अब मैं जो शेड लेने वाली हूँ ना, ये वाला शिमर शेड लूंगी, और ये बहुत ज़्यादा, वैसे तो सारे शेड्स बहुत पिगमेंटेड है लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा गोल्डन और हल्का सा इसमें कॉपर एंड गोल्डन टच आता है, और मैं इसको लगाऊंगी अपनी फिंगर के साथ बिल्कुल सेंटर में। देखा ऐसे ही होता है जब आप किसी फ्लो में काम कर रहे होते ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। अभी मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, और गाइज मैंने मस्कारा जो है वो ऐसे ही यू नो सब कुछ रिकॉर्ड, मेरी तरह से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन मैं भूल गई, कैमरा मैंने ऑन ही नहीं किया, मैंने देखा नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने मस्कारा जो है ये यूज़ किया है मार्स का, और ये मैंने निधि कटियार की वीडियोज़ में देखा था वो यूज़ कर रही हैं इसको, और वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं मार्स के। मुझे भी
पर्सनली मार्स के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। अभी रिसेंटली मैंने मार्स का जो है वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल किया था, नहीं देखा है तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही सुंदर मेकअप हुआ था वो वाला, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो कॉन्टोर, हाईलाइट और ब्लश करने के लिए गाइस मैं यहाँ पे यूज करूंगी शुगर की ये कॉन्टोर डिफोर्स पैलेट 02, मेरा शेड ले रही हूँ यहाँ पर, मेरे पास 02 03 दोनों है। इनफैक्ट मेरे पास वो छोटे छोटे वाले भी हैं जो इनके सिंगल्स आते हैं ना, सबसे पहले मैंने उन्हीं को खरीदा था। तो ये है कुछ इस तरह की दिखती है पैलेट, आप देख लीजिए बहुत ही ज्यादा सुंदर पैलेट है ये। और ये जो शुगर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं गाइस मैंने वो सारे ही ज्योति सेठी से इन्फ्लुएंसर के ही खरीदे थे और मुझे वो बहुत ही प्यारी लगती हैं, तो इसलिए मुझे शुगर के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा, मतलब सबसे पहले मैंने उन्हीं की वीडियोस में देखा था, तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे लेना शुरू किया और मुझे इतने ज्यादा पसंद है कि मैंने पूरा रेंज खरीद डाला। ऑल राइट, तो बारी आती है हाईलाइटर के लिए। तो हाईलाइटर के लिए भी गाइस मैं ये वाला भी यूज कर सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन है हाईलाइटर की, वो है मास्टर क्रोम बाय मेबेलिन। और ये भी मैंने मालविका सितलानी के वीडियोस को ही देखकर परचेज किया था और उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा हाइप्ड प्रोडक्ट था, मतलब आज से 1.5 साल पहले मोस्ट हाइप प्रोडक्ट था ये, मतलब सभी यूट्यूबर्स इसके बारे में बात कर रहे थे और सबको ये इतना पसंद आया हुआ था। तो मैंने भी ये खरीदा था रोज गोल्ड मोल्टन में और ये बहुत ज्यादा ब्लाइंडिंग हाईलाइटर है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही खूबसूरत हाईलाइटर है। तो अगर आप थोड़ा भी लगाएंगे ना बहुत ज्यादा जाएगा, मतलब ये ना डे के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप नाइट टाइम में आप इसको लगा रहे हो या फिर अगर आप किसी पार्टी में फंक्शन पे लगा रहे हो तो ये बहुत सुंदर लगेगा। डे टाइम के लिए मुझे लगता है ये थोड़ा सा ओवर लगता है, मैं इसको डे टाइम में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ और इनफैक्ट मैं अभी इसको बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि मुझे इतने ज्यादा ब्लाइंडिंग हाइलाइटर्स की भी अब आदत ही नहीं रही है, मुझे थोड़े से वो नेचुरल वाले ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। नाउ इट्स डन, तो अभी मैं मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। So here's the finished final look guys. जी गाइज, आई होप आपको ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा इस वीडियो को देख के। पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा मेरी वीडियो को और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।